नमस्कार आलिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हम राजनिवास के ठीक नीचे पार्किंग है, यहाँ पर खड़े हैं हमारे जो पीछे रांची एसोसिएशन के डेलीगेट्स, जो डेलीगेट्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिलकर आई है, उनसे बात कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ने क्या आश्वासन दिया हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है रांची एसोसिएशन अंडमान निकोबार आइलैंड के अध्यक्ष जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद उनको कैसा लगा और राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए उन्होंने किस तरह का प्रिपरेशन किए थे। सर नमस्कार। सर हाँ जोहार, नमस्कार सबों को, आपको भी। आपने हमारे बीच में यहाँ आए हुए हैं तो आपको, आप यूट्यूबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका एक प्रतिनिधिमंडल आज जाकर प्रेसिडेंट साहब से मिले हैं, तो आपने क्या ज्ञापन उनको सौंपा है? सर आप क्या चाहते हैं अंडमान के किस तरह का विकास की ओर जाने के बारे में आपने अपना अपनी ज्ञापन आपने सौंपा है उसके बारे में हमें बताइए। देखिए सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आए हुए 100 साल से अधिक हो गया हम लोगों का, छोटा नागपुर आदिवासियों का। अंडमान निकोबार प्रशासन हमेशा हमारा साथ दिया और हम उनका साथ देते हैं और देते आ रहे हैं। कुछ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको कि प्रशासन लेवल पर, पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर हल हो सकती है। उनके बारे में हम लोग राष्ट्रपति जी से अपना अनुमोदन किए कि ये चीज़ तो होना चाहिए। जैसे बेसिक एमिनिट्स बोलते हैं, हमारे लोग शहर छोड़ के अभी भी जंगल की ओर जा रहे हैं, विशेष रूप से गोजी नाला से लेके हंसपुरी तक, जितना भी नॉर्थ मिडिल अंडमान में हमारे आदिवासी लोग 70 से 80% लोग हैं। उनके वहाँ पर ठीक प्रकार से बिजली नहीं है, उनके घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है। उन सब बारे में अवगत कराया तो उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया कि ये तो बेसिक एमिनिट्स है, इनको मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो मांगे हैं जिनको हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं उनको अवगत कराए, जैसे ST हुआ, OBC हुआ, उनके बारे में उनसे बात हुई, उनका अच्छा सपोर्ट रहा हमें। ठीक है, बोले ठीक है, आप लिखिए, आप जरूर सक्सेस होगा, ठीक है, हमसे जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, आश्वासन दिया हमें। हाँ तो राष्ट्रपति जी से मिलके हमें बहुत खुशी हुई, हम सोच भी नहीं सकते, जबकि हम लोग ग्रेजुएशन से दिल्ली भी गए थे, वहाँ नहीं मिल पाए, खुद यहाँ आई और हम लोग से मिले, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं हमारे जो मांगे हैं बेसिक इमिनिट्स, हमें बड़ी चीज़ की आवश्यकता है, इन बड़ी बड़ी चीज़ों की नहीं, हमारे लिए जीने खाने का जो जरिया है उनका, उनसे हम लोग अवगत कराएं। देखिए आगे क्या होता है, उम्मीद तो है कि हो जाएगी, आशा है। रांची एसोसिएशन अंडमान निकोबार आइलैंड के महासचिव प्रकाश मीन जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद उनका क्या रिएक्शन था रांची एसोसिएशन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर। सर नमस्कार। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो तमाम यूट्यूबर्स जो आज आए यहाँ पे, जैसे आप लोगों को पता चला कि माननीय राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मिलने जा रहे हैं और अपना कीमती समय निकाल कर आप लोग आए, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो अंडमान निकोबार के लिए गर्व की बात है और साथ साथ हमारे छोटा नागपुरी आदिवासी जिसका एक संगठन है यहाँ पे रांची एसोसिएशन, उस संगठन के लिए भी एक गर्व की बात है और आज हमारे कमेटी के लिए विशेष तौर से एक गर्व की बात है कि आज हमें महामहिम, भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का मौका मिला। और दूसरी बात ये रही कि जो हमारी परंपरा है, जो आदिवासियत जो परंपरा है, जैसे आप देख रहे हैं हमारी परिधान जो है आदिवासी परिधान में सब हैं महिलाएं कमेटी मेंबर्स, तो इनको देखकर मैडम काफ़ी अच्छी परिधान देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी बात यह हुई कि उन्होंने बताया कि आदिवासियों को अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने कल्चर में रहेंगे तब तक तभी हम अपनी मांगों को रख पाएंगे। दूसरी बात यह हुई जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जो मांगे हैं हमारी, सबसे बड़ी मांगे हैं कि जो जल जंगल ज़मीन से आज हम वंचित हैं, हमारे रोड हैं, जो लोग रहते हैं मैक्सिमम जो है इंटीरियर में रहते हैं, वहाँ पे ज़मीन कईयों के पास नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, ऐसी जो कुछ बेसिक एमिनिटीज़ है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर योजना है, उस योजनाओं को हमें घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारी एक अपील रही। तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में जो भी लोग हमारे इंटीरियर में रहते हैं, लगभग 1 से 1.5 लाख लोग हमारे छोटा नागपुरी आदिवासी, उरांव, मुंडा, खड़िया हो, संथाली, ऐसे लोग अंडमान निकोबार में रहते हैं, जब भी ये लोग, ये जो वही लोग हैं जो 1918 में इनके बाप दादा आए यहाँ पे अंडमान निकोबार में, जंगलों को उस विकट परिस्थिति में काटा
यहाँ पे रोड बनाया, जट्टी बनाया, तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स में काम किए, करने के बाद भी आज हम थर्ड जनरेशन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी हम लोग काफ़ी चीज़ों से वंचित हैं। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि देश की महामहिम, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देंगे कि उनकी वजह से आज हमारे बीच में एक आदिवासी प्रथम बार, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि पहले 70 सालों में इतना अच्छा कदम आदिवासियों के लिए, एक गर्व की बात है कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि आज उनके सामने हम लोग बैठ पाए और अपने विषयों पे बात कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जोहार, आज हम भाग्यशाली हैं कि हमें महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। उनसे मिलकर हमें इतना अच्छा लगा, हमारी बातों को उन्होंने इतनी अच्छी प्रकार सुना और जो भी उसका समाधान था उसने इतने प्यार से इतनी अच्छी प्रकार से बताया, बहुत ही बहुत अच्छा लगा। हम इतना अपने आप को इतना भाग्यशाली मान रहे हैं कि उनके सामने हमें जाने का मौका मिला। धन्यवाद। आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे और मिले और हमें बहुत खुशी हुई, अपार हर्ष हो रहा है। हमारे साथ उन्होंने बहुत विनम्र भाव से हमारी बातें सुनी और हमसे वार्तालाप किया और मैडम भी बहुत खुश थी और हम भी खुश थे। हम सारे इतने खुश थे कि हमारी आंखें दबदबा गई। धन्यवाद। मैं फूल कुमार रांची सिंह का केशर हूँ और आज के दिन में हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है, जिससे कि हम लोग को एक सुनहरा अवसर मिलने का, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिला। और उस दौरान हम लोग ने अपनी कुछ बातें रखी तो वो सराहनीय बातें हैं, और जो भी हम लोग को वहाँ से जो निर्देश मिला, जो भी अपना रांचीशन के तहत हम लोग को अपने जितने भी द्वीपों में हम लोग अपने रांची समुदाय रहते हैं उनके लिए काम करने के लिए एक हम लोग को प्रेरणादायक के लिए दिया, उसके लिए हम ये शुक्रगुजार करते हैं कि हम लोग एक द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारे रांचीशन एक माध्यम है जिससे कि हमारा समुदाय उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और अपने काम को अच्छा अंजाम दे सके। धन्यवाद। जैसे आपने सुना ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने क्या आश्वासन दिया लोगों को, रांची एसोसिएशन के लोगों को और यहाँ पे जितना भी आदिवासी समुदाय है इनके जानकारी भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दिए हैं। और इससे बारे में बाकी अपडेट के साथ जुड़े रहे आईएलएन न्यूज़ के साथ। मैं महेश, आईएलएन न्यूज़ से। धन्यवाद।